अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? गुज़िश्ता हफ़्ते हमने आसमानी किताबें मज़मून की पढ़ाई की थी, जिसमें हमने चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम पढ़े थे और ये किन नबियों पर नाज़िल हुई उनके नाम हमने पढ़े थे। तौरात यह आसमानी किताब हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर यह आसमानी किताब हज़रत दाऊद अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील यह आसमानी किताब हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई, कुरान मजीद यह आसमानी किताब अल्लाह ताला के आखिरी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये चारों किताबें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम के ज़रिए नाज़िल फरमाई हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम जो कि सबसे मशहूर फरिश्ते हैं और ये सरदार भी हैं फरिश्तों के, ये अल्लाह का पैगाम लेकर नबियों तक आते थे और वो लोगों तक पहुंचाते थे। सफ़र नंबर 19 पर हमारे पास सरगर्मी है। सवाल एक, अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। बच्चों यहाँ पर तीनों जवाबात हमारे पास लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से चुनकर इनमें इनको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दर्ज है, इंसान को अल्लाह ताला ने नेकी का रास्ता दिखाने के लिए नबी भेजे। नबियों ने अल्लाह ताला के अहकाम, अहकाम जमा है हुक्म की, अहकाम लोगों तक पहुंचाए। नबी जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों तक सीधा रास्ता दिखाने के लिए अहकामात पहुंचाया करते थे। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबें आसमानी किताबें कहलाती हैं। आपने इस तरीके से इसको मुकम्मल करना है। पहले सवाल को बे पे गिवन है, हमारे पास दर्ज है, दर्ज ये सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अब यहाँ पे सवाल 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, ठीक है। आपने सिर्फ नबियों के नाम लिखने हैं जिन पर ये किताबें नाज़िल हुई हैं। चारों किताबों के नाम यहाँ दर्ज है, उन पर मालूम किया गया है कि किस नबी पर नाज़िल हुई है। तो आपने इस तरीके से सिर्फ नबी का नाम लिखना है, ठीक है। इंजील किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के लिए आपने ऊपर आइन और इसके साथ छोटी सी अलिफ बनानी है इस तरीके से, ठीक है। तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हम इसे अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ज़बूर किस नबी पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। कुरान मजीद किस नबी पर नाज़िल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पांचवा सवाल है हमारे पास, तमाम आसमानी किताबें किस फरिश्ते के ज़रिए नबियों पर नाज़िल हुई? तो वो कौन पैगाम लेकर आते थे, कौन से फरिश्ते थे जो सरदार थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। इस तरीके से आप उस सफ़े को मुकम्मल कर लीजिए। अब बच्चों हम अपनी मसनून दुआएँ जो कि हमारी किताब में दर्ज हैं, सफ़ा नंबर 13 निकाल लीजिए। इसमें है मसनून दुआएं। अब ये क्या है? ये दुआ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे सब बच्चे इस दुआ से बखूबी वाकिफ़ हैं और अच्छे तरीके से ये पढ़ते भी हैं और सब मुझे अच्छे तरीके से सुना भी चुके हैं। आपको ये मसनून दुआ याद करनी है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। खाना शुरू करने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम और अल्लाह की बरकत से शुरू करता मैं करती हूँ। ये हम कब पढ़ेंगे? खाना खाने से पहले, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि मेरे सारे तालिबे इल्म खाना खाने से पहले की दुआ बखूबी जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ठीक है, दोबारा से बोल लीजिए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम और अल्लाह की बरकत से शुरू करता करती हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम और अल्लाह की बरकत से शुरू करता करती हूँ।
ठीक है बच्चों, ये दो मसनून दुआएं आप इन्हें हिफ्ज़ कर लीजिए और इसका तर्जुमा भी हिफ्ज़ कर लीजिए।